रहस्यमय डॉक्टर वोयान ने एक नया प्रयोग विकसित किया है जहां वह जोड़ों को 5 पुरस्कार देता है। यदि वे 50 दिनों तक एक बेदाग कमरे के अंदर रहें तो $1 मिलियन। यदि उनमें से कोई एक चला जाता है तो पुरस्कार घटकर $1 मिलियन हो जाता है। बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं है और कोई मनोरंजन नहीं है, केवल एक दूसरे का साथ है। हालांकि वे पुरस्कार राशि के एक हिस्से से भुगतान करके उपहार प्राप्त कर सकते हैं। आज का जोड़ा माइक और केट है जो सोचते हैं कि इससे आसानी से पैसा कमाया जा सकेगा। माइक सोचता है कि वे इस जगह को पाकर बहुत भाग्यशाली रहे हैं और केट इसे दूसरे अवसर के रूप में देखती है जिसके वे हकदार हैं। हालांकि वह यह भी बताती हैं कि चीजों को आसान बनाने के लिए शायद उन्हें पैसे का बंटवारा कर लेना चाहिए। उसकी योजना पैसे का निवेश करने की है जो माइक को अविश्वसनीय रूप से उबाऊ लगता है। वह अपने भविष्य को पार्टी करने और पैसे के बारे में फिर कभी सोचने के बिना अच्छा समय बिताने के रूप में देखता है। यही की आवाज सुनने के बाद उन्हें नियमों की याद आती है। वे क्षेत्र का पता लगाते हैं और ध्यान देते हैं कि जब उन्होंने इसे बेदाग कहा तो वे मजाक नहीं कर रहे थे। सब कुछ सफेद है और वहाँ केवल एक बिस्तर और एक बेंच ही वस्तुएं हैं। वहाँ एक साधारण बाथरूम भी है जिसके नियम कहते हैं कि वे एक समय में एक में ही प्रवेश कर सकते हैं। यदि वे जाना चाहते हैं तो एक लाल बटन का उपयोग कर सकते हैं, एक टच स्क्रीन जहाँ वे दावत का अनुरोध कर सकते हैं और निकास द्वार के ऊपर एक बड़ी घड़ी जो प्रयोग में उनके द्वारा छोड़े गए समय को गिनती है। उनका भोजन उनकी दैनिक पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है और यह केवल स्वादहीन सफेद शेक है जो एक सफेद कार्टन में आता है। कमरा स्वचालित भी आता है रोशनी जो पूरे दिन बदलती रहती है और सुबह, दोपहर, शाम और रात होने की घोषणा करती है जो एक संकेत है जिसे उन्हें बिस्तर पर जाने के लिए अवश्य अपनाना चाहिए। टच स्क्रीन उन्हें अलार्म घड़ी सेट करने की अनुमति देती है और जबकि माइक इसे एक छुट्टी के रूप में मनाने और देर तक सोने की योजना बना रहा है, केट ने जल्दी अलार्म सेट कर दिया है। दिनचर्या का कुछ एहसास हो सकता है। जब वे अपनी पहली रात को बिस्तर पर जाते हैं तो माइक व्यस्त होने की कोशिश करता है केट के साथ, लेकिन वह चिंतित है कि प्रोफेसर उन पर नजर रख सकते हैं। चूंकि माइक जोर देता है, वे अंत में इसे गुप्त रूप से करते हैं। जब सुबह होती है तो केट बाथरूम में चली जाती है, खुद को आईने में देखें और उसका उत्साह बनाए रखने के लिए पुष्टि के कुछ शब्द बोलें, उसके लक्ष्य ताजा हैं। वे दोनों स्नान करने के बाद अपने कपड़े बाथरूम की लॉन्ड्री शूट में फेंक देते हैं और बदले में उन्हें बहुत सादा पायजामा मिलता है। हालांकि कम से कम इनमें कुछ रंग तो होता है। खुद को व्यस्त रखने के लिए केट यह सिद्धांत देने की कोशिश करती है कि वोयान यह प्रयोग क्यों कर रहा है। इसलिए माइक उसे उस वृत्तचित्र के बारे में बताता है जो उसने इस लड़के के पिछले प्रयोग के बारे में देखा था जो एक ब्लू कॉलर परिवार के साथ त्रासदी में समाप्त हुआ था। कोई नहीं जानता कि वोयान ने यह सब क्यों किया। वे केवल इतना जानते हैं कि उसके पास बहुत सारा पैसा है और वह इसका उपयोग लोगों को अनोखी परिस्थितियों में डालना पसंद करता है क्योंकि वह मानवीय स्थिति से आकर्षित होता है। खुद का मनोरंजन करना उनकी अपेक्षा से जल्दी ही एक समस्या बन जाती है। केट को ध्यान करना पसंद है जबकि माइक कभी कभी घड़ी की ओर देखता है। वह सफेद रंग के अर्थ जैसे विभिन्न विषयों के बारे में दार्शनिक स्पर्श रेखाओं पर भी जाता है जिसका वह अपने कला विद्यालय के सभी ज्ञान के साथ विश्लेषण करता है या जिस दिशा में उन्हें अपने दांत ब्रश करना चाहिए। केट हमेशा उसे याद दिलाती रहती है कि वह घड़ी की ओर न देखे और अपना ध्यान पुरस्कार पर न रखे, लेकिन जब माइक ठीक से सो भी नहीं पाता तो सकारात्मक सोचना कठिन होता है। कैट पुष्टिकरण, शब्दों और बिस्तर बनाने की अपनी दिनचर्या को जारी रखती है। वह माइक की भावना को बनाए रखने की भी कोशिश करती है। जब केट ध्यान करती है तो माइक व्यायाम करने की कोशिश करता है, मुख्यतः दौड़कर। साथ में वे हाथ से ताली बजाने वाले खेल मार्को पोलो खेलते हैं या नृत्य भी करते हैं। जब भी वे अपना गंदा पाजामा उतारते हैं तो उन्हें एक और जोड़ा दे दिया जाता है जो बिल्कुल वैसा ही दिखता है। कुछ सप्ताह बीत गए जब आखिरकार कुछ अलग हुआ। माइक को एक बग मिला जो कमरे के अंदर घुस गया था। बच्चे से बात करने के बाद माइक उसे भोजन का कुछ शेक खिलाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वह फर्श पर कुछ बूंदे डालता है, यही आवाज उन्हें याद दिलाती है कि भोजन का उपयोग केवल प्रतियोगियों द्वारा उपभोग के लिए किया जा सकता है। इस बात से चिंतित कि बग यहाँ जीवित नहीं है, माइक ने छोटे लड़के को बाहर जाने देने का किसी तरह से अनुरोध किया, यह वादा करते हुए कि वह यहाँ से नहीं जाना चाहता। केट ने उसे समझाया कि जिस स्पीकर से यही आवाज निकलती है वह दोतरफा नहीं लगता है, वह पहले ही कोशिश कर चुकी है, जिससे माइक ने फैसला किया कि वह दरवाजा खोलने के लिए बटन दबाएगा। इससे एक बहस शुरू हो जाती है क्योंकि केट को यकीन है कि बटन दबाने से भले ही वे हार जाएंगी। माइक वास्तव में नहीं जाता है और केवल एक मूर्खतापूर्ण बग के लिए अपना हाथ बढ़ाता है। कीट को नीचे रखने के बाद माइक केट को बताता है कि कीट एक जीवित प्राणी है और उसे कोई दया नहीं है, इसलिए केट ने उस पर कृपालु होने का आरोप लगाया क्योंकि वह उसकी तरह शाकाहारी नहीं है। जैसे जैसे बहस तेज होती जाती है, केट अंततः स्वीकार करती है कि उसे लगता है कि माइक केवल शाकाहारी है क्योंकि वह अपने संपन्न पिता को नाराज करना चाहता है, जिनके पास माइक के लिए वह सब कुछ है जिसकी उसे जरूरत थी, इसलिए उसे कभी कष्ट नहीं हुआ और अब वह कलात्मक सड़क कला का श्रेय लेना चाहता है। फिर केट इस बातचीत से दूर जाने की कोशिश करती है, लेकिन वह गलती पर पहुंच जाती है और माइक को उस पर विश्वास करने में परेशानी होती है जब वह कहती है कि यह एक दुर्घटना थी और माफी मांगती है।
माइक अपना शेष दिन एक कोने में उदास होकर बिताता है, जब तक कि वह अंततः यह निर्णय नहीं ले लेता कि उसके लिए बहुत कुछ हो चुका है, कुछ भी न करना स्वस्थ नहीं है। चूंकि उनमें से प्रत्येक दो उपहार ले सकता है, माइक एक के लिए पूछने जा रहा है, भले ही वह अपने पुरस्कार से $1,00,000 निकाल ले। केट को यह मंजूर नहीं है, लेकिन माइक को उसकी अनुमति की आवश्यकता नहीं है और उसका उपहार एक हरे क्रेयन के रूप में समाप्त होता है। यह ज्यादा तो नहीं है, लेकिन कम से कम अब माइक दीवारों पर अपनी कला कर सकता है। कुछ देर तक उसे चित्र बनाते देखने के बाद केट ने उससे अपना चित्र बनाने के लिए कहा और माइक ने स्वीकार कर लिया। हालांकि उन्होंने यथार्थवादी चित्रण करने से इनकार कर दिया, क्योंकि वे उबाऊ हैं, वह अपनी शैली से चिपके रहना पसंद करते हैं, जिसके कारण केट अब उनके लिए मॉडलिंग नहीं करना चाहती है। माइक तब तक खींचता है जब तक कोई और क्रेयन नहीं बच जाता। जब वह पूरे बाथरूम और फर्श पर तौलिया पर हरे दाग छोड़ देता है तो केट नाराज हो जाती है। बाद में केट ने एक मूर्ख की तरह व्यवहार करने के लिए माफी मांगी और बताया कि यह जितना उसने सोचा था उससे कहीं अधिक कठिन है, लेकिन कम से कम उनके पास केवल 20 दिन बचे हैं। दिन वह बोरियत में तब तक गुजरती रही जब एक सुबह केट उठी और उसे बाथरूम में एक बंदूक मिली। वे यह जांचने से बहुत डरते हैं कि क्या यह भरा हुआ है और इसकी उपस्थिति सता रही है, इसलिए उन्होंने इसे बिस्तर के नीचे छिपाने का फैसला किया, क्योंकि AI उन्हें उन वस्तुओं को रखने से मना करता है जो कपड़े नहीं है। कुछ समय बाद जोड़े को अंततः कनेक्ट टाइम से पुरस्कृत किया जाता है, जो उनके प्रियजनों द्वारा भेजे गए संदेशों के लिए चलेगा। माइक को अपनी बहन से एक संदेश मिलता है जो उसे बताती है कि वह और उनके माता पिता कैसे हैं, लेकिन वह यह भी सोचती है कि माइक अब केट को डेट नहीं कर रहा है। अपनी बहन को देखकर माइक बहुत खुश होता है, लेकिन केट अपने साथ कोई संबंध नहीं चाहती। और जब स्क्रीन पर उसके पिता का वीडियो आता है जो अंततः सड़कों से हटकर एक बेघर आश्रय में रह रहे हैं, तो वह घबरा जाती है। चूंकि उसके कितना भी पूछने पर वीडियो बंद नहीं होगा, केट बाथरूम के प्रवेश द्वार के पीछे छिपने के लिए दौड़ती है और रो और माइक उसे सांत्वना देने के लिए उसके पास आता है, अपने बॉयफ्रेंड से बुरी तरह चिपक कर सोने के बाद। जब अलार्म सुबह की घोषणा करता है तो केट उठती नहीं है और पूरे दिन बिस्तर पर ही रहती है, क्योंकि वह उठती है उदास अवस्था में पड़ गया। जब माइक अपनी चिंताएं व्यक्त करता है तो केट उसे बताती है कि उसने कई वर्षों से अपने पिता को नहीं देखा है और वह हमेशा माइक से झूठ बोलती है कि वह कौन है, क्योंकि वह अपने पिता से शर्मिंदा थी और जिस तरह से उसने शराब पीकर घर, उसके स्कूल की फीस और उसकी संभावनाओं को छीन लिया था एक सामान्य व्यक्ति की तरह बड़े होने का। केवल 2 सप्ताह से कुछ अधिक समय शेष होने पर केट अभी भी बिस्तर पर ही रहती है, जबकि माइक खुद का मनोरंजन करने के लिए नए तरीके खोजने की कोशिश करता है, जैसे अपनी उंगलियों से क्रेयन को धुंधला करके अपने चित्र को संशोधित करना या जितना संभव हो उतनी भावनाओं में पायजामा लेबल को पढ़ना। अभिनय अभ्यास। वह खाने के बारे में कुछ चुटकुले बनाकर केट को खाना खिलाने की कोशिश करता है, लेकिन यह व्यर्थ है, इसलिए वह उसे आराम देने की उम्मीद में उसके साथ बिस्तर पर लेट जाता है। यह अभी भी काम नहीं करता है और माइक कभी कभी कुछ अलग महसूस करने के लिए फर्श पर सोने का फैसला करता है। एक सुबह वह केट को दावत लेने के लिए मनाने की कोशिश करता है, लेकिन वह पैसे खोने से इनकार कर देती है और अधिक निराश होते हुए माइक ने उल्लेख किया कि उसे यकीन नहीं है कि वह अब ऐसा कर सकता है, और अंततः केट को बिस्तर से बाहर निकलने के लिए प्रेरित किया। हालांकि स्नान करने से पहले वह माइक से अपना दूसरा उपहार लेने के लिए कहती है, भले ही इसकी लागत 125,000 हो। माइक ऐसा करता है और सिमोन नामक एक नग्न महिला को कमरे में प्रवेश करने की अनुमति देने के लिए दरवाजा खुला देखकर चौंक जाता है। वह परियोजना के बारे में कुछ भी नहीं जानती है, वह सिर्फ एक अभिनेत्री है जिसे एक ऐसे कार्यक्रम के लिए भुगतान किया जा रहा है जिसके लिए बहुत सारे NDA पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता होती है, और जबकि उसे एक महीने के लिए बुक किया गया था, उसके एजेंट ने कहा कि वह शायद 24 घंटे के लिए रह रही है। केट को उसकी उपस्थिति बहुत पसंद नहीं है और वह माइक से उसे अपनी टी शर्ट देने को कहती है ताकि सिमोन कम से कम कुछ तो ढक सके। सिमोन ने माइक की कला को नोटिस किया और उसकी प्रशंसा की, यहां तक कि प्रभावों को भी पहचाना, जिससे केट और अधिक नाराज हो गई। जब रात होती है तो माइक फर्श पर सोने की पेशकश करता है, जबकि लड़कियां बिस्तर ले लेती हैं और सिमोन उन्हें सोते समय जागते रहने की पेशकश करती है। केट शिष्टाचार के प्रति उनके प्रयास से नाराज हो जाती है और निर्णय लेती है कि जब तक वह बीच में सोती है वे सभी बिस्तर साझा कर सकते हैं। उस रात केट को ही सोने में परेशानी हुई। सुबह केट सिमोन को बिस्तर पर नहीं पाती है और सोचती है कि वह चली गई है, लेकिन वास्तव में वह बाथरूम में है। अब और इसे लेने में सक्षम नहीं होने पर केट ने एक दावत लेने का फैसला किया और 3 मजेदार कैंडीज के साथ एक छोटा सा बॉक्स प्राप्त किया। केट तुरंत एक लेती है और एक सिमोन को देती है, लेकिन माइक बहुत झिझक के बाद भी केवल एक ही स्वीकार करता है। वे तीनों नाचने लगते हैं और कमरे के चारों ओर घूमना शुरू कर देते हैं। वे कुछ समूह चुंबन भी साझा करते हैं। हालांकि थोड़ी देर के बाद माइक एक बुरी यात्रा से गुजरना शुरू कर देता है। उसे हर जगह खून दिखाई देता है और सपने देखता है कि वह पानी के अंदर है और अपने छोटे भाई को अपने साथ गिरते हुए देखता है। महिलाएं माइक को वास्तविकता में वापस लाती हैं, लेकिन वह अभी भी घबरा रहा है और शोन और डूबने के बारे में कुछ बताते हुए वहां से चले जाने के लिए कह रहा है। केट को उसे वापस बिस्तर पर खींचना है और उसे तब तक आराम देना है जब तक वह सो न जाए।
बाद में सिमोन पूछती है कि माइक किस बारे में बात कर रहा था, और केट उसे बताती है कि माइक का छोटा भाई शोन परिवार के पूल में डूब गया था, जबकि माइक को उसके बच्चे की देखभाल करनी थी, जिससे उसे आज भी दुखी महसूस होता है। जब ऐसा हुआ तो माइक नशे में था, जो चोट को बढ़ाता है और बताता है कि वह यहाँ कैंडी स्वीकार करने में क्यों झिझक रहा था। सिमोन भी पूछती है कि वे कैसे मिले, और केट को अच्छी तरह से याद है कि कैसे एक बरसात के दिन उसके पास कोई छाता नहीं था और माइक उसके पास आया और बारिश की सभी बूंदों को पकड़ने की पेशकश की ताकि वह भीग न जाए। जब माइक अंततः जागता है तो सिमोन बताती है कि जब वह बच्ची थी तब उसने अपनी माँ को खो दिया था, और वे दोनों दुख और प्रियजनों को खोने के गम में एक दूसरे से जुड़ गए। सिमोन माइक को सांत्वना देने के लिए उसका हाथ पकड़ती है, और कब केट उन्हें देखती है वह यह सोचकर घबरा जाती है कि सिमोन उसके प्रेमी को चुराना चाहती है। सिमोन ने अपने रवैये को उजागर करते हुए बताया कि केट इसलिए भड़कती है क्योंकि वह वास्तव में एक असुरक्षित व्यक्ति है जो बहस शुरू करता है। माइक उन्हें दूर जाने से पहले रुकने के लिए चिल्लाता है। इस प्रकार केट माफी मांगने की कोशिश करती है, यह स्वीकार करते हुए कि उसने शायद कुछ भी नहीं देखा था। फिर भी सिमोन ने यह कहकर आग की लपटों को हवा दे दी कि शायद ऐसा नहीं था। अगली सुबह माइक की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन केट अन्य चीजों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। सिमोन अंततः चली गई, लेकिन दीवार पर हरे रंग के क्रेयोन पर उसका एक संदेश भी है जिसमें माइक को एक जंगली रात के लिए धन्यवाद दिया गया है। केट घबरा जाती है, माइक की बात नहीं सुनती जब वह समझाता है कि उसने कुछ नहीं किया है और यह बंदूक की तरह है जो कमरा उनके साथ खिलवाड़ करने के लिए कर रहा है। अपने गुस्से में केट ने माइक को फर्श पर धकेल दिया, जिससे उसके सिर पर चोट लगी और खून बहने लगा। माइक उससे दूर चला गया, उसे याद दिलाया कि जब वह न्यूयॉर्क चली गई तब भी उसने कभी उसे धोखा नहीं दिया। उसने अपने तथाकथित अमीर दोस्तों से मिलना भी बंद कर दिया ताकि उसे असुविधा न हो, और उसके साथ घर पर रहने के लिए कॉलेज की पढ़ाई पूरी नहीं की। वह उदास थी, फिर भी बदले में उसे केवल ईर्ष्या ही मिलती है। रोते हुए केट माफी मांगती रहती है, लेकिन उनकी बातचीत तब बाधित हो जाती है जब माइक को घाव के कारण चक्कर आने लगते हैं। वह वास्तव में सोचता है कि उसे एक डॉक्टर की आवश्यकता है, लेकिन केट उसके लिए कुछ भोजन शेक लाती है ताकि वह अपने सिस्टम में कुछ चीनी डाल सके और अपने घाव को एक तौलिए से ढक सके। माइक को याद दिलाते हुए कि अनुबंध में कहा गया है कि उनके पास चिकित्सा हस्तक्षेप के लिए भत्ता नहीं है। माइक को विश्वास नहीं हो रहा है कि वह क्या सुन रहा है, और वह सोचने लगा कि क्या केट को वास्तव में परवाह है। उसका घाव छोटा हो जाता है और अंततः खून बहना बंद हो जाता है, लेकिन वह डरता है कि अगर स्थिति बदतर होती तो वह कितनी दूर जा चुकी होती। शायद उसने पैसे के लिए उसे खून बहने दिया होता। इस जगह ने उनके साथ जो किया है उससे नफरत करते हुए और यह महसूस करते हुए कि पैसे से वे वास्तव में कितने टूटे हुए हैं, ठीक नहीं होगा। माइक ने वहां से जाने का फैसला किया और केट को भी ऐसा करने के लिए आमंत्रित किया। हालांकि केट ने मना कर दिया और बताया कि उसके लिए इस तरह से बात करना आसान है क्योंकि उसके पास हमेशा पैसा होता है, और वह उसे रुकने के लिए धमकाने के लिए बंदूक भी निकाल लेती है। हालांकि माइक ने उसे नजरअंदाज कर दिया और बटन दबा दिया। अंततः जीत से कुछ दिन पहले ही कमरा छोड़ दिया। बहुत देर इधर उधर लेटे रहने और शॉवर में घबराने के बाद केट ने दीवार पर बारिश की बूंदें देखी, जिससे वह भी बटन के पास जाने और केवल दो दिन बचे होने पर अपने विकल्पों पर विचार करने के लिए प्रेरित हुई। कई महीनों के बाद अब अकेला माइक दौड़ने जा रहा है, तभी उसने केट को एक इमारत से बाहर आते देखा। उन्होंने कमरे के बाद से एक दूसरे को नहीं देखा है और बातचीत करने और मिलने जुलने के लिए टहलने जाने का फैसला किया है। लेकिन जब माइक ने केट से पूछा कि क्या वह कमरा छोड़कर चली गई या जीत गई, तो वह सवाल टाल गई। हालांकि कम से कम वह जो हुआ उसके लिए माफी मांगता है। जैसे ही वे चले जाते हैं, इमारत में बेघर होने का पता चलता है आश्रय, जिस पर एक पट्टिका लगी है जिसमें कहा गया है कि एक गुमनामदार ने उन्हें नई रसोई बनाने की अनुमति दी। इस बीच बेदा कमरे में एक नया जोड़ा चुनौती लेने के लिए आता है।